हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन प्रक्रिया 19 नवंबर तक चलेगी। इसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उप निर्वाचन अधिकारी छगनलाल गोयल ने बताया कि जोधपुर जिले में 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा 19 नवंबर तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इस बीच 18 नवंबर को रविवार का अवकाश रहेगा। 20 नवंबर को प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी व प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात से नामांकन पत्र की वापसी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 22 को ही 3 बजे के पश्चात अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन होगा व निर्वाचन व्यय संबंधी बैठक अभ्यर्थियों के साथ होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कलेक्ट्रेट सहित सभी आरओके परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश द्वार से लेकर आरओ परिसर तक पुलिस व आरएसी के जवान तैनात किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के समय अभ्यर्थी व 4 अन्य व्यक्ति ही अंदर जा सकते हैं। आरओ कार्यालय परिसर में अभ्यर्थी 3 वाहन ही ले जा सकते हैं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।